अब अपने पढ़ेंगे क्लोनिंग के बारे में। तो क्लोनिंग नाम से स्पष्ट है, वैसे सभी जानते हैं कि क्लोन क्या होता है। क्लोन जैसे हर चीज़ का क्लोन बनाया जा सकता है, इसमें क्या है एनिमल क्लोनिंग अपने पढ़ रहे हैं। तो क्लोन की थोड़ी सी मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। तो क्लोनिंग के अंदर क्या होता है, एक ही जनक से गैर लैंगिक विधियों द्वारा उत्पन्न संतति एक ही जनक सेम पेरेंट्स हो, एक ही जनक से गैर लैंगिक, गैर लैंगिक कौन सा मैटिंग नहीं होती इसमें, गैर लैंगिक विधियों से उत्पन्न जो संतति होती है उसकी आकारती और आनुवंशिक में जनक के समरूप होती है। आकार और क्लोन एक तरीके से अपने ये मान सकते हैं एक चीज़ की कॉपी, एक चीज़ की फोटोकॉपी, उसको अपने क्लोन बना मान डिफाइन कर सकते हैं, अपनी भाषा दे सकते हैं। तो आनुवंशिकी और आकार की में ये रहता है कि इसकी मतलब दोनों सेम होती है। तो इसमें उच्च कोटि के प्राणियों में क्लोन क्यों बनाया जाता है, क्लोन इसलिए बनाया जाता है कि कोई चीज़ है कि मान के चलो कि अच्छी नस्ल है, तो उस नस्ल को आगे भी अपने काम में लेने के लिए या उस नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए क्लोन का यूज किया जाता है। अच्छी संतति को अपने बचाने के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने एक चीज़ हमेशा ही आती है कि इस टेक्निक का यूज कहाँ किया था, डॉली नामक भेड़ में किया था। ये सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, डॉली नामक भेड़ की क्लोनिंग है 1997 में की गई थी। फिर उसके बाद में अन्य उदाहरण भी है बिल्ली के बारे में, कॉपी कैट सीसी बोलते हैं 2002 में, अफगानी शिकारी कुत्ते क्लोन भी 2005 में बनाया गया, तो जार दें चार्ली गाय 1999 में बनाई गई। क्लोनिंग के प्रकार ये है, जीन के प्रकार, जीन क्लोनिंग, सूक्ष्म जीव क्लोनिंग, कोशिका क्लोनिंग, पादप क्लोनिंग, प्राणी क्लोनिंग। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कि एनिमल क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग उसके प्रकार अपने देख लिए। तो एनिमल क्लोनिंग के अंदर क्या रहता है कि एनिमल्स में कोशिकाओं की गैस्ट्रुला अवस्था में पहुंचने के बाद टोटिपोटेंसी खत्म हो जाती है, पूर्ण जीव बनने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये टोटिपोटेंसी खत्म होगी तो इसके ये दो प्रकार की होती है, रिप्रोडक्टिव और थेरेपेटिक, चिकित्सकीय बोलते हैं इसको थेरेपेटिक को। तो प्रजनन क्लोनिंग में संपूर्ण जीवन जीव का क्लोन तैयार किया जाता है। इसमें केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक, ब्लास्टोमियर पृथक्करण एवं होनोलुलु तकनीक काम में ली जाती है। इसमें होनोलुलु तकनीक काम में ली जाती है। अब उसमें टोटिपोटेंसी मैंने आपको वैसे बता दिया कि ठीक एक कोशिका से पूर्ण जीव बनने की क्षमता को अपने टोटिपोटेंसी बोलते हैं, तो ये एक परिभाषा आ गई यहाँ। तो उसके बाद में क्या रहता है, केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक में मादा से प्राप्त अंड कोशिका के केंद्रक का निष्पादन करते हैं, फिर इस केंद्रक विहीन कोशिका में समझने की जरूरत है थोड़ा सा, इसमें केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक में क्या करते हैं, मादा से प्राप्त अंड कोशिका, मादा से जो अंड कोशिका प्राप्त होती है उसमें केंद्रक का निष्कासन करते हैं। केंद्रक बाहर निकाल लिया, केंद्रक क्या है बाहर निकाल लिया, तो उसी के अंदर अपने फिर केंद्रक डालना पड़ेगा। तो केंद्रक विहीन मतलब जिसमें केंद्रक है ही नहीं ऑलरेडी, तो उस कोशिका में केंद्रक 2N समगुण सूत्रण का प्रतिस्थापन कर देते हैं, बनने वाला भ्रूण केंद्रक दाता कोशिका का क्लोन होता है। दाता कोशिका जिसने कोशिका से केंद्रक लिया गया है वो उसी केंद्रक का ही क्लोन होगा, ना कि केंद्रक विहीन कोशिका का क्लोन होगा। तो फिर चिकित्सकीय क्लोनिंग में किसी अंग का, अंग विशेष का क्लोन करते हैं। तो डॉक्टर इयान विलमिट, ये नाम याद रखने की जरूरत है, डॉली बेड का क्लोन इन्होंने बनाया था। तो केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक का उपयोग किया था, पहले क्या है किसी कोशिका से केंद्रक को निकाल लिया गया, फिर उस केंद्रक विहीन मतलब जिस कोशिका में केंद्रक है ही नहीं उसके अंदर क्या किसी केंद्रक को डाला गया, तो जिस केंद्रक को डाला गया क्लोन उसी केंद्रक का ही होगा, क्योंकि जो जेनेट जो गुण जाने हैं वो केंद्रक के थ्रू जाएंगे इसलिए उसी का होगा। फिर उसके बाद में क्या कि सरोगेट मदर, अपने लास्ट टाइम पढ़ा था सरोगेट क्या होता है कि इस जो निषेचित अंडे को फर्टिलाइजर को क्या करते हैं किसी मदर के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और ट्रांसप्लांट करने
करने के अंदर जिस मदर में ट्रांसप्लांट किया जाता है उसको सरोगेट मदर बोलते हैं, ये सरोगेट मदर है। तो इसके बाद में फिर इसके बाद में इसके लाभ क्या है क्लोनिंग के, इससे कृषि योग्य जंतुओं की नस्ल सुधारी जा सकती है और मानव में अंग प्रत्यारोपण में सहायक है, रोगों के इलाज में भी है। तो ये अपने एक प्रकार की क्लोनिंग थी। तो क्लोनिंग के बारे में क्लियर हो गया, और नेक्स्ट अपने बढ़ेंगे सेक्टर चैप्टर 17।